प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग छात्रों ऐसी थ्योरी के जो पॉलीफेज सिस्टम हमारा बच गया था उसको पढ़ेंगे। ये जो छात्र पहला पार्ट नहीं देखे होंगे पहले उसको देख लेंगे, फिर इसको देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो देखिए, पॉलीफेज सिस्टम में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है। हमने बहुत आसान भाषा में आपको लिखा है इसको, ताकि आप समझ सकें। किताब पढ़कर जो समझने में दिक्कत होती है आपको, इसमें नहीं होना होगा। जब घरेलू उपकरणों को देखिए, क्या करते हैं आप घरों में, घरों में आप करते हैं बहुत सारा उपकरण है आपके, तो क्या करते हैं, दो फेज, एक फेज सप्लाई करते हैं, एक न्यूट्रल करते हैं। अर्थात वो हमारा कौन सा कहलाता है, सिंगल फेज पद्धति कहलाता है। जब हम घरेलू उपकरणों को अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई देते हैं तो वह उपकरण एक फेज तथा एक न्यूट्रल से संयोजित करते हैं। यह पद्धति क्या कहलाती है, सिंगल फेज विद्युत पद्धति कहलाती है। जब हम एक से अधिक फेज को किसी उपकरण को जोड़ते हैं तो क्या कहलाती है, बहुफेज कहलाती है, पॉलीफेज सिस्टम कहलाती है। अर्थात जहाँ एक से अधिक फेज होगा वहाँ पर क्या होगा, पॉलीफेज होगा। अब इसमें क्या है कि अलग अलग पद्धति अपनाई जाती है, कहीं थ्री फेज, कहीं फोर फेज, कहीं सिक्स फेज, ठीक है। लेकिन हमारे देश में थ्री फेज फोर वायर सिस्टम अपनाया गया है। तो पहला आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कौन से थ्री फेज सिस्टम के तहत कौन सी पद्धति अपनाई गई है, तो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। समझ में आ गया होगा आपको, तो क्या जवाब देना है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। अब सवाल उठता है कि थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के लिए कौन सा कोर का केबल प्रयोग होगा, तो चार कोर का केबल प्रयोग होगा और चारों का कलर क्या होगा। अब इसमें देख लीजिए, पूछता है कि थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में कितने कोर का केबल प्रयोग होता है, तो चार कोर का, और किस कलर का होता है। तो आप, हम लोग पहले केबल में पढ़ाए भी आपको, पहला रेड होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, येलो होगा, और तीसरा क्या होगा, ब्लू होगा, और चौथा क्या होगा, ब्लैक होगा। तो क्या हो गया, रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। तो आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मैं इसमें फेज कौन कौन है, तो तीन जो है फेज है कौन कौन, रेड, येलो और ब्लू, और ये जो है आपका ब्लैक क्या है, न्यूट्रल है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फोर कोर वायर केबल में न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक होता है, ठीक है, और इसकी कंडक्टर की साइज भी फेज के साइज का आधी होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूट्रल फोर कोर केबल में न्यूट्रल का केबल का कंडक्टर का साइज क्या होता है, तो फेज के क्या होता है, आधी होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद इसमें आता है कि जब हम थ्री फेज फोर वायर सिस्टम प्रयोग करते हैं या कोई भी पॉली फेज सिस्टम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल होगा, दो फेजों के बीच में क्या होगा, एंगल होगा। जैसे मान लीजिए हमने तीन फेज ले लिया, तो तीनों फेज के बीच क्या होगा, एंगल होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि तीन फेज सिस्टम में एक फेज से दूसरे फेज के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, या वाइंडिंग कितने डिग्री पर स्थापित किए जाते हैं। चार फेज का भी पूछ सकता है, पांच फेज का भी पूछ सकता है, टू फेज का भी पूछ सकता है। तो इसके लिए एक क्या किया गया, एक सूत्र निर्धारित किया गया कि 360 बटे फेजों की संख्या, देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये सूत्र है, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि फेजों के बीच एंगल निर्धारण के लिए, कोण निर्धारण के लिए, या फेजों को स्थापित करने के लिए किस विधि का अपनाया जाता है, कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है, तो 360 डिग्री बटे फेजों की संख्या, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि टू फेज में यह नियम काम नहीं करता है। अगर टू फेज का पूछ दिया जाए आपसे तो यह नियम काम नहीं करेगा। उस टू फेज के लिए स्पेशली क्या होता है, टू फेज के लिए, टू फेज के लिए 90 डिग्री होता है, ठीक है। जब एक से अधिक फेज का प्रयोग होता है तो प्रत्येक फेज के बीच क्या होगा, एंगल होगा, और एंगल को डिग्री भी कहते हैं। अब इसके निर्धारक सूत्र क्या हो गया हमारा, 360 बटे फेज की संख्या मैंने लिख दिया। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि फेजों के निर्धारण का सूत्र क्या है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन टू फेज में अगर हम देखें तो टू फेज में तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका, अगर इस सूत्र पर हम बैठाएंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन 180 नहीं होता है, कितना होता है, 90 होता है। तो स्पेशली याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए लिख दिया मैं यहाँ पर, ध्यान देने की बात यह है कि टू फेज की जब बात आएगी तो यह नियम पालन नहीं होगा, क्योंकि टू फेज सिस्टम में 90 डिग्री का एंगल होता है दो फेजों के बीच में, या 90 डिग्री पर स्थापित किए जाते हैं दो फेज। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आते हैं थ्री फेज सिस्टम में। अब सवाल उठता है कि थ्री फेज सिस्टम में कितना होगा फेज एंगल, कितना होगा। तो थ्री फेज सिस्टम में फेज एंगल होता है 120, कितना होता है 120, उस फॉर्मूले पर भी काम कर रहा है, ठीक है, 360 बटे 3, तो क्या हो जाएगा 120। तो इस ध्यान रखेंगे। अब थ्री फेज सिस्टम में यह हो गया एंगल होता है। अब थ्री फेज सिस्टम में दो स्थिति होती है, एक क्या होती है बैलेंस कंडीशन, दूसरी क्या होती है अनबैलेंस कंडीशन। अब अनबैलेंस कंडीशन जब होती है तो उसे कैसे कहते हैं, देखिए संतुलित लोड उसे कहेंगे कि जब तीनों फेज के पावर फैक्टर का मान समान हो। पावर फैक्टर मतलब कोसाइन एंगल, कॉस फाई, और उसका मतलब इस एंगल से ही है, यानी 120 डिग्री अगर सब में बराबर एंगल है तो क्या है बैलेंस लोड है। इसके साथ साथ तीनों फेजों में अगर लोड जो है बराबर लगा हो, लोड का यहाँ मतलब क्या है इम्पीडेंस का मान उसका बराबर होना चाहिए, सबका इम्पीडेंस का अगर मान बराबर है तो वो भी क्या कहलाएगा बैलेंस लोड कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कहलाएगा अनबैलेंस लोड कहलाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, स्थिति ये जान लीजिए कि बैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल में क्या होता है करंट का मान जीरो होता है, न्यूट्रल में क्या होगा करंट का मान जीरो हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए अब आपके पास सिस्टम आ गया, थ्री फेज सिस्टम के कनेक्शन कितने तरह के होते हैं। थ्री फेज के कनेक्शन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन होता है स्टार कनेक्शन, दूसरा कौन होता है डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में क्या अंतर है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि थ्री फेज सिस्टम में कितने कनेक्शन बनाए जाते हैं तो दो दो बनाए जाते हैं, कौन कौन, एक स्टार कनेक्शन दूसरा कौन सा डेल्टा कनेक्शन। अब एक सवाल उठता है कि इससे समझने के पहले फेज सीक्वेंस समझ लिया जाए कि फेज सीक्वेंस क्या है। तो हम जानते हैं कि फेज सीक्वेंस जो का संबंध है थ्री फेज से संबंधित है, और अल्टरनेटर द्वारा अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं मशीन में, फिर बाद में हम लोग मशीन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अल्टरनेटर, उसमें पूछता है कि अल्टरनेटर द्वारा एसी करंट पैदा किया जाता है और थ्री फेज अल्टरनेटर द्वारा किया जाता है, और इसी क्रम में जब अधिकतम विद्युत वाहक बल
जिस श्रेणी में प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फेज क्रम कहते हैं। और भारत में फेज क्रम जो है जो निर्धारित किया गया है वो निर्धारित किया गया है क्या, आर वाई और बी। आर मतलब रेड, वाई मतलब येलो, बी मतलब ब्लू। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत में चाहे फेज सीक्वेंस का सही क्रम क्या है, तो आर वाई बी है, याद रखेंगे आप, ठीक है। और फेज सीक्वेंस क्या होता है कि जब अल्टरनेटर द्वारा हम अधिकतम विद्युत भाग बल जिस स्थिति में प्राप्त करते हैं वहीं क्या होता है, सही फेज क्रम होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए इस क्रम में अर्थात जो फेज सीक्वेंस होता है वो आर वाई बी सही क्रम है। इसके दर्शाने के लिए आप देखे होंगे मशीनों में या बड़े बड़े पैनलों में तीन ऐसे ऐसे इंडिकेटर लगे होते हैं जो जलते रहता है, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। और फेज सीक्वेंस अगर समान नहीं हो तो क्या होगा, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत तो सारे उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, पैरलाइजेशन किया जाता है, वो नहीं हो सकता है। तो ये दूसरे चैप्टर का भाग है। अभी हमको सिर्फ ये जानना है कि फेज सीक्वेंस क्या है। तो फेज सीक्वेंस अधिकतम विद्युत भाग वाल्व भाग प्राप्त करने की स्थिति है और आर वाई बी जो होता है इसका सही क्रम होता है। अब देखिए अब स्टार डेल्टा के पहले हमको तीन टर्म समझना जरूरी है कि फेज वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, और लाइन वोल्टेज क्या होता है, और फेज करंट क्या होता है, और फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या है कि किसी एक फेज में बहने वाली वोल्टेज का मान क्या होगा, मापी गई वोल्टेज का मान क्या होगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। जैसे अगर हम लेते हैं कि तीन हमारा एक स्टार कनेक्शन अगर है अगर हम मान लेते हैं ये हो गया आर और येलो हो गया ये और ये हो गया ब्लू और तीनों का ये हो गया और ये न्यूट्रल बीच में हो जाएगा, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब देखिए यदि आप क्या कह रहा है अब हमसे, देखिए यदि हम किसी एक फेज मान लीजिए कि क्या करते हैं, ये रेड था, रेड से और न्यूट्रल के बीच में हम वोल्टेज मापते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फेज वोल्टेज, ठीक है। मान लीजिए कि ये फेज वोल्टेज हम क्या कहेंगे, आर वी, ठीक है, इसमें जो आर वी एन कह सकते हैं इसको हम, तो ये कहलाएगा फेज वोल्टेज। उसी तरह अगर हम येलो और न्यूट्रल के बीच में मापते हैं तो ये भी वाई फेज का क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। अगर ये ब्लू और न्यूट्रल के बीच मापते हैं तो जो वोल्टेज का मान आएगा वो क्या होगा, ब्लू फेज का होगा। अलग अलग मापेंगे तो मतलब कि एक फेज में जितना वोल्टेज का मान है वो क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। उम्मीद करते हैं हम समझ गए होंगे। और दूसरा स्थिति आएगा लाइन वोल्टेज की मान, तो लाइन वोल्टेज किसे कहा जाएगा, अगर दो फेज टर्मिनल के बीच, जिसे मान लीजिए कि अगर हम आर और वाई के बीच नापते हैं तो इसके बीच जो आएगा वो क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। और इसी तरह अगर हम वाई और ब्लू के बीच नापते हैं तो ये भी क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। दो का क्या लिखेंगे, वी आर वाई, ठीक है। इसी तरह ये ब्लू और रेड के बीच नापेंगे तो ये क्या होगा, ये
फेज वोल्टेज होगा किसका किसका होगा भाई, वी, वी मतलब वोल्टेज, आर और बी का। आप समझ गए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में अंतर। यानी फेज वोल्टेज क्या है कि सिर्फ एक फेज के वोल्टेज का मान है और न्यूट्रल के बीच का मान है, और जबकि लाइन वोल्टेज क्या है, दो फेजों के बीच वोल्टेज का मान है। अभी भी जानते होंगे कि दो फेजों के बीच वोल्टेज का मान कितना होता है, 440 होता है। अब देखिए फेज करंट उसी तरह क्या है, तो फेज करंट भी किसी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली, फेज करंट को क्या कहते हैं, फेज करंट कहते हैं। उसी तरह अगर हम बना दिए स्टार डेल्टा या कुछ भी बना दें, एक हो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, तो क्या होगा इसमें आपको, अगर सिर्फ इसमें धारा जो बह रही है, किसमें, यहां पर आर में, तो आर से लेके न्यूट्रल पॉइंट के बीच में जो करंट प्रवाहित हो रही है वो क्या कहलाएगा आपका, फेज करंट कहलाएगा। अलग अलग में फिर क्या होगा, वाई से लेके न्यूट्रल तक की जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या कहलाएगा, वाई फेज की करंट कहलाएगा। और ब्लू में भी वही स्थिति होगा, जो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का या न्यूट्रल पॉइंट तक का जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या कहलाएगा, वाई फेज का फेज करंट कहलाएगा। जबकि लाइन करंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या कहलाएगा, लाइन करंट कहलाएगा। मतलब कि दो फेजों के बीच में जितनी करंट है वो क्या है, लाइन करंट है। उसी तरह फेज पावर है, फेज पावर को भी हम क्या कहेंगे, अगर एक फेज में जितना लाइन पावर मतलब क्या, वी आई, तो एक फेज में जितना पावर है उतना क्या कहलाएगा हमारा, फेज पावर। और टोटल में क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें भी लिखने का तरीका है, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो अगर लाइन वोल्टेज है तो उसको एल से व्यक्त करते हैं, तो वी एल से लाइन वोल्टेज, ठीक है, और वी पी एच से फेज वोल्टेज, और IL से लाइन करंट, और IPH से फेज करंट, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे लाइन करंट क्या है। फिर आइए एक बार फिर कंफर्म हो जाइए, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज का मतलब कि एक फेज में और न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज का मान क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। जबकि लाइन वोल्टेज क्या होगा, इन्हीं दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज का मान क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। और सामान्य रूप से फेज में कितना होता है वोल्टेज, सेकेंडरी में 220 और लाइन में कितना होता है, 440। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं स्टार कनेक्शन, ठीक है। अब स्टार कनेक्शन में क्या स्थिति है, तो पहले जानिए स्टार कनेक्शन का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। स्टार कनेक्शन को हम वाई जैसा लिखते हैं, और डेल्टा को कैसे लिखते हैं, त्रिभुज जैसा। इसका मतलब ये क्या होगा, स्टार और डेल्टा। अब स्टार कनेक्शन में होता क्या है, स्टार कनेक्शन में भी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट फेज के बीच संबंध है, तो उसी को समझना है। इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो यहीं आपको याद करना है और आपको आंसर देना है। तो पहले नंबर क्या होता है, ये याद रखना आपको कि लाइन करंट का मान फेज करंट के बराबर होता है, और लाइन वोल्टेज का मान √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है।
अब देख लेते हैं कनेक्शन आपको। और यहाँ न्यूट्रल है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, लाइन करंट की बात हो रही है, तो लाइन करंट का मतलब अब इस किसी एक फेज में जितना करंट बह रहा है, फिर एक फेज से यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए कि ये क्या है, आई आर है, ठीक है। रेड में आई करंट बह रहा है, वाई में क्या होगा, आई वाई बहेगा, और ब्लू में क्या बहेगा, आई बी बहेगा, और न्यूट्रल में कितना बहेगा, जीरो बहेगा। क्योंकि बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रल में मान जीरो होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब स्थिति ये आती है आपको कि आपको क्या याद रखना है कि स्टार में लाइन करेंट बराबर फेज करेंट, यानी अगर क्वेश्चन दे दे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ देता है इसमें कि स्टार कनेक्शन है, लाइन करंट का मान कितना है, 10 है, तो फेज करंट का मान क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। उसी तरह लाइन वोल्टेज का मान पूछेगा, तो लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा, तो लाइन वोल्टेज का मान √3 × फेज वोल्टेज होगा। अगर मान लीजिए पूछता है कि लाइन वोल्टेज का मान 10 है, तो फेज वोल्टेज का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 10 × √3, और √3 का मान होता है 1.732, इससे गुणा हो जाएगा आपका, तो न्यूमेरिकल भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आपको याद कर रखना है स्टार कनेक्शन में लाइन करंट बराबर फेज करंट, और लाइन वोल्टेज बराबर √3 वोल्टेज। अब इसको याद कैसे रखेंगे, और स्टार में जस्ट इसका उल्टा होता है, डेल्टा में जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक ना। तो देखिए याद करने का तरीका हम बताते हैं, हम पहले स्टार का नाम लेते हैं, स्टार डेल्टा, और स्टार में आप पहले करंट का मान लेते हैं, क्योंकि करंट पहली राशि है, तो करंट पहली राशि है, तो याद करने का सारा तरीका है कि लाइन करंट बराबर फेज करंट, यानी स्टार में जो पहले वाला दोनों है वो क्या है, बराबर है, यानी लाइन करंट बराबर फेज करंट, और लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। अब शॉर्ट में भी इसको लिखा जा सकता है, कभी कभी ऐसा ना लिख के ऐसे लिख देगा, हमने क्या कहा, लाइन करंट को हम लोग IL लिखते हैं, और फेज करंट को क्या लिखते हैं, IPH लिखते हैं, ठीक ना, ऐसे लिख देंगे, ये भी मतलब वही है। और लाइन वोल्टेज IV नहीं, एक लाइन वोल्टेज का मान VL, और फेज वोल्टेज का मान √3 VL, ठीक है। pH होगा तो क्या होगा, फिर देख लीजिए, जब वोल्टेज की मान आएगी तो लाइन वोल्टेज, वोल्टेज सबसे पहले वोल्टेज लिखिए जिसके लिए करा लाइन करंट, तो करंट का मान क्या लिखते हैं, I, और लाइन मतलब L, ठीक है। और फेज करंट, करंट का मान I, और फेज का मतलब PH, ठीक है। तो अगर ये ना देखे लाइन करंट बराबर फेज करंट ना लिखे IL/IPH लिख देता है, वही मतलब है, शॉर्ट में इसको लिख दिए हम। और इसी तरह यहाँ पर भी हम देखते हैं लाइन वोल्टेज को लिख देते हैं, वोल्टेज को भी L से लाइन, और √3 वोल्टेज को भी pH से P, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें पावर की बात आती है, तो पावर क्या होता है? तो अगर लाइन में पावर पूछेगा और वोल्टेज में पूछेगा, तो लाइन में पूछेगा तो क्या होगा? पी बराबर वी एल लाइन और आई एल और कॉस फाई, ठीक है। अगर पावर में पूछेगा, फेज में पूछेगा, तो क्या होगा? पी वी पी एच आई पी एच कॉस फाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें रूट थ्री जुड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है? रूट थ्री के बराबर होता है। फिर से देखिए, पावर का क्या मान हो जाएगा? पी बराबर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। डेल्टा कनेक्शन, अब डेल्टा कनेक्शन में देख लीजिए, डेल्टा कनेक्शन का क्या होता है सिंबल? डेल्टा कनेक्शन का ये सिंबल होगा। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा? लाइन करंट क्या होगा? रूट थ्री फेज करंट के बराबर होगा, जस्ट उसके अपोजिट होगा। और लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होगा। शॉर्ट में इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे? पहले वाले को इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? करंट मतलब आई और एल मतलब लाइन, रूट थ्री और फेज करंट है, तो फेज करंट को क्या लिखेंगे हम लोग? करंट को आई, पी को पी एच। उसी तरह लाइन वोल्टेज तो आई एल, और ये क्या होगा? वी लिख रहा है ना, वोल्टेज तो वी एल अपॉन क्या हो जाएगा? फेज वोल्टेज वी पी एच, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। उसी तरह पावर लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा? पावर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, ठीक है। अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे होता है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि डेल्टा में न्यूट्रल पावर होता है? नहीं होता है। ये मान लीजिए कि आर है, ये वाई है, ये बी है, ऐसे ही मान सकते हैं। याद रखिए, तो यहाँ आर, यहाँ वाई, यहाँ बी। अब इसमें डेल्टा कनेक्शन नहीं होता है, तो डेल्टा नहीं कनेक्शन होने से क्या हो सकता है? यहाँ सिंगल फेज सप्लाई देना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। स्टार में हम सिंगल फेज सप्लाई आसानी से दे सकते हैं, जबकि डेल्टा में सिंगल फेज सप्लाई आसानी से नहीं दे सकते हैं। इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म करना पड़ता है हमको। तो मुख्य रूप से आपसे एग्जाम में ही पूछा जाएगा, लाइन करंट बराबर रूट थ्री फेज करंट, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है तब बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसी का मान पुट करना है, रूट थ्री का मान से गुणा करना है या भाग करना है, जैसा जहाँ देगा। इस फॉर्मूले को पहले लिखेंगे और उसको जैसे पूछेगा, जो पूछेगा उसको पुट करके बता देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फेज करंट दिया है, मान फेज करंट 10 है और लाइन करंट पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका? अब यहाँ क्या हो जाएगा? 10 है और यहाँ इतना है, तो रूट थ्री से भाग हो जाएगा या गुणा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिपथ में शक्ति मापने का यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि थ्री फेज सिस्टम है तो शक्ति मापने की विधि क्या होगा? तो तीन विधि होता है। पहला क्वेश्चन ये जान लीजिए कि क्या कहेंगे हम कि तीन विधि प्रयोग किया जाता है, कौन कौन? एक एक वाट मीटर विधि, दो वाट मीटर विधि और तीन वाट मीटर विधि। अब तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक वाट मीटर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो एक वाट मीटर विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ संतुलित लोड हो। यानी इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए तीन फेज है, तीन फेज है, एक वाट मीटर इसमें लगा दिए, इसमें मान लीजिए कि आया हमारा पाँच वाट चाहे दो वाट, तो बस तीन से गुणा कर देंगे, क्योंकि सब में मान बराबर है, ये बैलेंस कंडीशन है। तो क्वेश्चन आपका होगा आंसर क्या, कि बैलेंस कंडीशन में एक वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बैलेंस कंडीशन में एक फेज का पावर दो वाट है, तो
तो कुल पावर क्या होगा, तो 2 × 3 = 6 होगा। ठीक है, 2 वाट मीटर विधि हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। 3 वाट मीटर विधि समझिए, 3 वाट मीटर विधि में क्या करते हैं कि 3 वाट मीटर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं है कि तीनों में लगा दिए जितना टोटल आया जोड़ दिए सब, यानी बैलेंस और अनबैलेंस तीनों कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन 2 वाट मीटर विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो 2 वाट मीटर विधि को देखते हैं हम, उसमें कैसे आंसर देना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए पहला सवाल ये उठता है कि 2 वाट मीटर विधि जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है, तो किस प्रयोग होता है आपको, संतुलित अथवा असंतुलित लोड के लिए। ठीक ना, क्या कहते हैं, संतुलित अथवा असंतुलित लोड के लिए प्रयोग किया जाता है, मैंने लिख भी दिया हुआ है। और 3 फेज 3 वायर, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग कहाँ होगा, तो 3 फेज 3 वायर कंडीशन में संतुलित अथवा असंतुलित लोड के लिए। 1 वाट मीटर प्रयोग कहाँ होगा, सिर्फ संतुलित लोड के लिए। और 3 वाट मीटर कहाँ होगा, तो वहाँ भी क्या होगा, 3 फेज 4 वायर संतुलित असंतुलित लोड के लिए। ठीक ना, लेकिन 2 वाट मीटर में क्या होता है कि पहले हमको पावर फैक्टर का मान निकालना होता है, और पावर फैक्टर का मान निकालने के लिए टैन थीटा का एक फॉर्मूला लगाया जाता है। अभी पूछ सकते हैं आपसे कि 2 वाट मीटर विधि में कौन सा पावर फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला निकाला जाता है, तो √3P1 - P2/P1+P2। अब इसे फिर cos phi का tan इन्वर्स हो जाता है, इसका मान निकालते हैं, लेकिन यही फॉर्मूला पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा, tan थीटा बराबर √3P1 - P2/P1+P2। P1 क्या है, 2 वाट मीटर विधि है, तो पहले वाट मीटर का रीडिंग और दूसरे वाट मीटर का रीडिंग माइनस करेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे और √3 में उसे गुणा करेंगे। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये भी यही है। फिर इसमें एक अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कंडीशन के अनुसार जब हम मापते हैं, तो देखिए ये चार्ट है, इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपने हमने क्या जाना है कि पावर फैक्टर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए ज्ञात तो कर लिए, लेकिन रीडिंग कैसे मारेंगे, और क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, पहला कंडीशन में पहला देखिए, पहला है क्या, पावर फैक्टर का मान क्या लिखा है, यूनिटी, यानी अगर पावर फैक्टर 1 है तो रीडिंग का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन पूछेगा कि 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर समान रीडिंग जैसा है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, W1 / W2 = W2, यानी 2 वाट मीटर विधि है और दोनों में समान रीडिंग आ रहा है तो पावर फैक्टर का मान क्या है, क्या हमारा 1 है। दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो पावर फैक्टर का मान 1 है तो वाट मीटर में रीडिंग क्या होगा, दोनों में समान होगा आंसर। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर में समान है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, 4 क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछा नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, यदि दोनों वाट मीटर में रीडिंग समान हो, ठीक है, और विपरीत रीडिंग दर्शाया गया हो, यानी एक में पॉजिटिव आ रहा है एक में निगेटिव आ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा भैया बताओ। तो देखिए पावर फैक्टर का मान क्या होगा, 0 होगा, ये है। ठीक है, पावर फैक्टर का मान क्या होगा, देखिए एक में पॉजिटिव है एक में निगेटिव है और दोनों बराबर है समझ में। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी अगर कह दे कि 1 वाट मीटर रीडिंग, 3 ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि यदि 1 वाट मीटर में रीडिंग शून्य दर्शाया रहा है तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर तीसरा कंडीशन है, एक में तो कुछ दिखा रहा है एक में 0 है, तो पावर फैक्टर का मान क्या है, 0.5 है। ठीक ना, तो ये 3 ही याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन कि पावर फैक्टर का मान यूनिटी हो तो क्या होगा, दोनों वाट मीटर में समान रीडिंग जैसा आएगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि पावर फैक्टर का मान 0 हो तो क्या होगा, दोनों में समान दर्शाएगा लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक ना, और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि पावर फैक्टर का मान 0.5 है तो क्या होगा, तो एक में 0 दर्शाएगा
और दूसरे में क्या दर्शाएगा, मान दर्शाएगा। इस चार्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, मैं उसका जवाब दूंगा। अब इसके बाद आती है पावर की मान। चलिए खत्म करते हैं, आगे देखिए एक चीज़ और रह गया आपका। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एंगल से पूछा जाता है, हम जानते हैं। अब एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट एक क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया जाता है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि जानते हैं। देखिए हम ये पावर एंगल है तो ये क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, ये होता है कॉस थीटा। एक ट्रू पावर किलोवाट, एक के वी ए और एक के वी आर, हमने पिछला वीडियो में पढ़ा भी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि पावर लॉस जो होता है वो किस में होता है। और तो देखिए पावर लॉस जो होता है एक्टिव कंपोनेंट में होता है, इसीलिए इसको वाटफुल कंपोनेंट कहते हैं। यानी कॉस फाइव को क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा आपको कि इनमें से कौन सा एंगल एक्टिव कंपोनेंट है और कौन सा पैसिव कंपोनेंट है, यानी कौन वाटलेस कंपोनेंट है। तो रिएक्टिव पावर में पावर लॉस नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वाटलेस कंपोनेंट कहते हैं। और कॉस फाइव में पावर लॉस होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वाटफुल कंपोनेंट कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो बस इतना याद रखना है आपको कि रिएक्टिव पावर क्या है, वाटलेस कंपोनेंट, और ट्रू पावर वाटफुल कंपोनेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे और अच्छे से बताने की, आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।